हमको पता होना चाहिए कि हमारी मौत कब होने वाली है। एटलीस्ट मुझे तो पता होना चाहिए मेरी मौत कब होने वाली है, क्योंकि मैं रात को दही जमा के सोता हूँ और मैं नहीं चाहता मेरा दही खराब हो जाए। अगर मुझे पता हो तो मैं दूध फाड़ू ही ना, और मैं रेंट से रहता हूँ तो 2 दिन तक अगर मेरी बॉडी नहीं मिली किसी को तो रूम में कितनी बदबू नहीं हो जाएगी दही की। तुम लोग मरे हुए हो अंदर से, तुम क्यों ऐसे हो रहे हो कि मौत के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्या करते हो तुम? तो मरे हुए ही हो ना, मतलब इंजेक्शन से डर लगता है आप लोगों को? मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। वैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ इनको जिनको इंजेक्शन से डर लगता है, बट मुझे लगता है कि हमें इंजेक्शन से डर नहीं लगता, हमें डर लगता है कि हम स्ट्रेंजर के सामने अपने कपड़े क्यों उतारें। और मैं स्मॉल टाउन से हूँ तो वहाँ डॉक्टर की फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा यही होती थी कि इंजेक्शन लगवा लो तो जल्दी रिकवर हो जाओगे, तो मैं उसके पास जाता था, ही ऑलवेज लाइक कि कपड़े उतार के वहाँ लेट जाओ और फिर पैसे भी मैं ही दे के आता था। हम कुत्तों से नहीं डरते, हम डरते हैं कि काट गया तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। जिस दिन इंजेक्शन खत्म हो गए इनकी सारी क्यूटनेस निकाल दूंगा मैं। हैव यू गाइस सीन कि रात को तुम कुछ भी गाड़ी या बाइक लेके जाओ तो दे स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड यू, दे स्टार्ट लाइक भाव 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 भाव, और आप जैसे ही गाड़ी रोकते हो सडनली रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है, उसे यकीन ही नहीं होता है मैंने किसी आदमी को रोक दिया। वो डेली ये करके देखता है कि मेरी सुपर पावर्स खत्म तो नहीं होगी। Keep my hands fucking bleeding.